वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। तो आज बड़ा ही शुभ पवित्र दिन है जो रुक्मिणी देवी का आविर्भाव दिवस है, जो हंस द्वारकाधीश की 16108 रानियों सबसे प्रमुख पटरानी है। एक श्लोक बोल लेते हैं उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। संख्या 10, 52, 37 10, 52, 37 बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणवतामते श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणवतामते निर्वेश्य कर्ण विवरै हरितो अंगतापम् निर्वेश्य कर्ण विवरै हरितो अंगतापम् रूपं दृशाम दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम् रूपं दृशाम दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तं पत्रपम्बे त्वय्यच्युता विशति चित्तं पत्रपम्बे श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर श्रणवतामते निर्वेश्य कर्ण विवरै हरितो अंगतापम् रूपं दृशाम दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तं पत्रपम्बे। बोलिए श्री रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर श्रणवतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरै हरितो अंगतापम् रूपं दृशाम दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तं पत्रपम्बे। और कोई श्री रुक्मिणी उवाच श्री रुक्मिणी ने कहा श्रुत्वा सुनकर गुणान
गुणों को भुवन सुंदर संपूर्ण लोकों के हे सौंदर्य श्रणवताम सुनने वालों के लिए ते आपका निर्विश्य प्रवेश करके कर्ण कानों के विवरई छेदों से हरतः हटाते हुए अंग उनके शरीरों की तापम पीड़ा रूपम सौंदर्य दृशाम देखने की इंद्रिय का दृश्यमताम आँख वालों का अखिल समग्र अर्थ इच्छा पूर्ति का लाभम प्राप्ति त्वे आप में अच्युत हे अच्युत भगवान श्री कृष्ण आविशति प्रवेश करती है चित्तम चित्त में अपत्रपम निर्लज्ज मेरे अनुवाद हो तात्पर्य ब्राह्मण द्वारा पढ़े जा रहे अपने पत्र में श्री रुक्मिणी ने कहा हे जगतों के सौंदर्य आपके गुणों के विषय में सुनकर जो कि सुनने वालों के कानों में प्रवेश करके उनके शारीरिक ताप को दूर कर देते हैं और आपके सौंदर्य के सारे आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर कि वह देखने वाले की समस्त दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा करता है हे भगवान श्री कृष्ण मैंने अपना निर्लज्ज मन आप पर स्थिर कर दिया है। तात्पर्य रुक्मिणी एक राजा की पुत्री थी वह साहसी तथा निडर थी और वह भगवान श्री कृष्ण के प्राप्त न होने पर मरना पसंद करती। यह सब विचार करके उसने एक स्पष्ट खुला पत्र लिखा जिसमें भगवान श्री कृष्ण से याचना की गई थी कि वे आकर उसे ले जाएं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परजन सहतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरत्वसे नमः वांछाकल्पतरभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये कथा बड़ी ही रोचक है। भगवान श्री कृष्ण
जब ब्रज की लीलाओं को समापन करके फिर मथुरा की लीलाओं को भी पूर्ण करके द्वारका में पहुंचे भगवान, तो वहाँ यदुवंशियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान रह रहे थे और सभी को बड़ा आनंद प्रदान कर रहे थे। उनके बड़े भाई बलराम जी का विवाह हो गया था, किनके साथ? रेवती जी के साथ। तो जब ये सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया कि द्वारका में जाकर के भगवान के बड़े भाई बलराम का विवाह हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने भी कौंडनपुर के जो भीष्मक राजा थे, कौंडनपुर के विदर्भ देश के, तो उनकी पुत्री रुक्मिणी हरण करके उनके साथ भी विवाह किया, राक्षस विधि से हरण करके विवाह किया। तो महाराज परिचित बोले, गुरुजी भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ राक्षस विधि विवाह किया, आपने संक्षिप्त बता दिया, थोड़ा विस्तार से बताओ ना, कैसे विवाह किया उनके साथ राक्षस विधि से, कैसे विवाह किया, कैसे हरण करके लाए, थोड़ा विस्तार से बताओ। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजन धन्य हो जो कृष्ण की लीलाओं के प्रति आपकी कितनी रुचि है, तो वैसे रुक्मिणी जी का आज आविर्भाव दिवस है ना, जन्मदिन है, हालांकि रुक्मिणी भगवती लक्ष्मी हैं, साक्षात लक्ष्मी जी हैं, और लक्ष्मी जी कभी योनिजा नहीं होती, मतलब माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेती लक्ष्मी जी। ब्रह्मा वैवर्त प्राण वर्णन आया है कि एक बार महाराज भीष्मक जो विदर्भ देश में रहते थे, बहुत विशाल सरोवर नदी में स्नान करने के लिए गए थे। हालांकि इनके पुत्र पांच थे, रुक्मिणी रुक्मा बाहू इत्यादि पांच पुत्र थे भीष्मक के, पर पुत्री कोई भी नहीं थी। बड़ी भारी इच्छा थी कि एक कन्या हमारे घर भी हो, बेटा तो पांच पांच है, एक पुत्री भी हो तो अच्छा हो। बड़ी भारी इच्छा थी पर पुत्री कोई थी नहीं, इच्छा बहुत थी पर। तो जैसे स्नान करने के लिए गए तो वहाँ क्या देखते हैं, कमल का बड़ा फूल था और उस पर एक संदूक, पिटारी सी में संदूक में या कमल के फूल पर वो बड़ी सुंदरी कन्या उनको मिली। भीष्मक बहुत प्रसन्न हो गए, देखो भगवान ने हमारी इच्छा को पूरी कर दिया, हम चाहते थे कन्या हमको मिले, भगवान ने हमको कन्या रत्न प्रदान कर दिया, बड़े प्रसन्न हुए। उस कन्या को लेकर के घर पे आए, महारानी को दिया और कहा, देखो भगवान ने हमारी टेर सुन ली, हमको कन्या ये भगवान ने दिया है, इसका पालन पोषण करो, ये हमारी धर्म की पुत्री है, ये हमारी धर्म की पुत्री है, धर्म पुत्री है। तो उनका खूब लालन पालन किया विदर्भ देश में, कौंडनपुर में, जो कौंडनपुर आज भी विराजमान है, वहाँ हम तीन चार कथाएं भी करके आए कौंडनपुर में, कई बार गए कौंडनपुर में, उसके बराबर एक नदी बह रही है, खूब बढ़िया नदी, अच्छी नदी है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है कौंडनपुर, छोटा ही है, थोड़े दो चार आश्रम बने हुए हैं, चार दस पाँच। तो रुक्मिणी जी का पालन पोषण विदर्भ देश में महाराज भीष्मक के यहाँ हुआ। जब रुक्मिणी जी खूब बड़ी हुई, 16 साल की हुई, विवाह के योग्य हुई, क्योंकि पहले के माता पिता अपनी पुत्री का विवाह बहुत जल्दी कर दिया करते थे, आजकल तो 28, 28, 30, 30, 35, 35, 40, 40 साल तक हो जाती तब भी विवाह नहीं करती, है ना, जमाना बदल गया है।
उन्हें ऐसा बताते हैं, कन्यादान सबसे श्रेष्ठ कब होता है? जब तक कन्या रजस्वला ना हो, उससे पहले ही कन्या का कन्यादान कर दे, वो सबसे एकदम श्रेष्ठ होता है, शुद्ध होता है। इसलिए पहले 12, 13, 14, 15, 16 वर्ष तक शादी कर देते, 16 से ऊपर बढ़ते नहीं थे। इधर भगवान भी लगभग 24 साल की हो गई, द्वारकाधीश 24 साल की हो गई, और रुक्मिणी कितने साल की हैं? 16 साल की। कितना अंतर हो गया? 8 साल का अंतर। रुक्मिणी 8 साल छोटी थी द्वारकाधीश से, क्योंकि रुक्मिणी 8 साल बाद क्यों आई? क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई हमारे प्रभु ब्रज में लीलाएं करेंगे, उसमें विक्षेप क्यों हो, है ना। तो रुक्मिणी 8 साल उनसे छोटी हैं भगवान द्वारकाधीश से। भगवान द्वारकाधीश 16 वर्ष के नहीं, कितने, 24 वर्ष के, और रुक्मिणी जी 16 वर्ष के। 8 साल का अंतर हुआ ना, इतना अंतर था। भीष्मक और उनकी पत्नी और उनके बड़े लड़के को छोड़कर अन्य लड़के सभी चाहते थे कि हमारी रुक्मिणी का विवाह के योग्य एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं द्वारकाधीश। सबकी बड़ी भारी ऐसी इच्छा थी, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था भीष्मक जी ने, उनके परिवार वालों ने, किन के द्वारा, जो साधु संत वहाँ जाते रहते थे भीष्मक महाराज के पास, क्योंकि भीष्मक महाराज बड़े श्रद्धालु थे, भगवान के परम भक्त थे। जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनके यहाँ भक्त जाते ही रहते हैं, तो साधु संत जाते रहे, नारद जैसे संत जाते थे वहाँ। तो संतों का काम ही क्या है, जहाँ प्रसाद खाएंगे और वहाँ भगवान का गुणगान गाएंगे, तभी गृहस्थों के ऋण से मुक्त हो पाने, तो उनके ऋणी बन जाएंगे उनका भोजन करके। हमारे पूज्य गुरु महाराज लोकनाथ स्वामी कहते थे कि जहाँ भी ग्रस्तों के घर जाओ और उनके घर भोजन करो, कुछ लेके आओ, तो उन्हें दे के आओ, क्या हरि नाम दे के आओ, प्रचार करके आओ, भगवान के बारे में सुना के आओ। तो वही संतों का कर्तव्य होता है, संत जहाँ भी जाते हैं वहाँ बस भगवत चर्चा करते हैं वो, जिससे ग्रस्तों का कल्याण होता है। तो भीष्मक महाराज भगवान के बड़े प्रेमी थे, और सभी ग्रस्त चाहते हैं, माता पिता चाहते हैं कि हमारी संतान भी भगवान की क्या हो, भक्त बने। सभी माता पिता चाहते हैं, जो माता पिता वैष्णव होते हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, राधा गोविंद, हे प्रभु ऐसी कृपा करना हमारे बच्चे भी आपके शरणागत हों, आपके भक्त बने, ऐसी कृपा करना, ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान से। वास्तव में माता पिता का ही धर्म है। तो भीष्मक के यहाँ बहुत सारे साधु संत जाते रहते थे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, उनके रूप गुण और लीलाओं का वर्णन करते थे, भगवान के रूप गुण और लीलाएं। और भगवान के रूप गुण लीला ऐसे ही इत्थम रूप क्या है, इत्थम यानी इत्थम रूप गुणो हरि, धन्यवाद। भगवान के रूप गुण ऐसे हैं कि आत्मा रामस्य मुनयो नृग्रंथापुरक्रम, बड़े बड़े आत्मा राम भी भगवान के गुण और लीलाओं को सुनते हैं, तो वो भी भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी तो पहले निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे ना, लेकिन जब उन्होंने सुना भगवान के बारे में कि भगवान के रूप और गुण, भगवान का रूप क्या है, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रत वास कनक कपसम बेयंती चमालाम, ये भगवान के रूप का श्लोक बहुत सुंदर, वेणु गीत का रूप है वो श्लोक है। तो जब ये इतना सुंदर भगवान की सुंदरता के बारे में सुना सुखदेव जी ने, जबकि जंगल में तपस्या करते थे वो, विचार किया कितने सुंदर हैं, देखो कितना सुंदर बालक है। ठीक है रूप ही तो सुंदर है, पता नहीं उनके गुण कैसे होंगे, पर दूसरा श्लोक क्या सुनाया, अहो बकियम स्तन काल कूटम, देखो भगवान कितने कृपालु हैं कि पूतना जिनको स्तन जहर का स्तन पान कराने आई, और फिर भी भगवान कितने कृपालु हैं कि भगवान ने उस पूतना को वो गति दी जो माँ को देनी गति देनी थी, उसको पहली गति प्रदान कर दी।
तो भगवान के रूप और गुण ऐसे हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आकर्षित हो जाते हैं। तो जब भीष्मक महाराज के पास साधु संत जाते थे, भगवान के रूप गुण लीलाओं की चर्चा करते थे, तो भीष्मक महाराज भी कहते थे, अरे बच्चों तुम भी आ जाओ, बेटी, अरे रुक्मिणी, और अन्य बच्चों को बुलाते थे, आ जाओ बैठ जाओ, थोड़ा महात्मा जी कुछ अच्छी बात बताएंगे। होते हैं ग्रस्त लोग बोलते ना, देखो तो महात्मा जी आए, तुम भी आ जाओ बैठो पास में, कुछ अच्छी बात सुनाओ महात्मा जी से। तो रुक्मिणी की बड़ी श्रद्धा थी, क्योंकि श्रद्धा क्यों नहीं होगी, तो भगवान की नित्य संगिनी है, वो खूब प्रेम से आके सुनती थी, छोटे से ही भगवान की कथाओं को सुनती थी कृष्ण के बारे में, छोटे से ही। पर रुक भी नहीं सुनता था, अन्य उनके और भाई छोटे सुनते थे, लेकिन रुक भी नहीं सुनता था, क्योंकि दुष्ट लोग होते हैं, उन्हें हर चर्चा अच्छी लगती नहीं। पर रुक्मिणी बहुत प्रेम से सुनती थी, बहुत प्रेम से। पर जो बड़ा उनका भाई था रुक्मी, वो बड़ा राक्षस प्रवृत्ति का था, उसके ऐसे ही मित्र थे सुषपाल, दंतवक्र, विदुरथ, जरासंध इत्यादि इत्यादि, साल्व, ये बड़े दुष्ट लोग थे, वो इसके मित्र थे रुक्मी के। यद्यपि भीष्मक तो चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ हो, क्योंकि मेरी पुत्री के योग एकमात्र हैं तो केवल द्वारकाधीश हैं, और कोई इसके योग है ही नहीं कोई, वो जानते थे भीष्मक, परंतु बड़ा पुत्र था, नहीं नहीं मेरी बहन का विवाह उस ग्वालियर के साथ थोड़ी होगा, वो ग्वालिया गमार भगोड़ा बिल्कुल डरपोक है, डर की वजह से कहाँ समुद्र में रहता है वो, हम इतने बड़े राजा हैं, इतने वीर बलवान हैं, और अपनी अपनी बहन का विवाह ऐसे नीच लोगों के साथ कर देंगे तो हमारी क्या इज्जत रहेगी, हमारी इज्जत हमको कौन पूछेगा फिर, ऐसे कहकर के उसने भीष्मक को भी कन्विंस कर लिया। और बड़े बेटा की बात माननी पड़ती है, नहीं तो घर में झगड़ा होगा भाई, जब घर में बड़ा बेटा होता है तो उसकी बात को मानना पड़ता है। सहमत कर लिए उसने, भीष्मक को भी सहमत कर लिया कि ठीक है, केवल सुषपाल के साथ शादी होनी चाहिए, वो कितना बलवान है, राजा है, और बहुत काफी हमारा नजदीक भी है, हमारा प्रेमी भी है। तो सुषपाल के साथ सिक्का भेज दिया, चढ़ा दिया, क्या कहते लोग, सिक्का चढ़ा, क्या बोलते हैं, मतलब पक्की कर दी, शादी पक्की कर दी उसके साथ में। अब ये बार रुक्मिणी को मालूम पड़ी, रुक्मिणी बहुत चिंतित हुई, बहुत चिंतित हुई, बहुत दुखी रहती हैं, पर अपने मन की बात किससे कहें। पर उनकी बड़ी भाभी, बड़ा भाई तो दुष्ट था, लेकिन बड़ी भाभी बड़ी श्रद्धालु थी, है ना, वो बड़ी बहुत ठीक, वो कहती क्या बात है, इतनी दुखी क्यों रहती हो तुम, अपने हृदय की बात तुम मुझे बताओ, अपनी पुत्री के समान मानती थी वो रुक्मिणी के लिए, बड़ी भाभी। तो रुक्मिणी ने कहा क्या बताऊं, अरे भैया, बड़े भैया मुझे वहां भेजना चाहते, मेरी इच्छा नहीं है, सारी मन की बात भाभी को बता दी, है ना, क्योंकि कन्या कोई अपने मन की बात थोड़ी माता पिता को नहीं बता सकते, भाभी को अपने मन की बात सारी बता दी। कोई बात नहीं, मैं तो प्रयास करूंगी, हाँ भाभी बड़ी आपकी कृपा होगी, यदि आप ये प्रयास करें तो मैं आपकी ऋणी रहूंगी हमेशा के लिए, कभी आपका उपकार भूलूंगी नहीं, समझाऊंगी तुम्हारे भैया के लिए, उनकी भाभी ने कहा। पर भाई सुनता ही नहीं किसी का, रुक्मी किसी की नहीं सुनता, नहीं शादी होगी तो सुषपाल के साथ होगी, यहाँ तक कि शादी विवाह का भी समय आ चुका, दो चार दिन बाकी बचे थे। अब रुक्मिणी बड़ी परेशान, बहुत दुखी हुई, क्या करें, वो दुष्ट सुषपाल के साथ मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अपने प्राणों को, शरीर को त्याग दूंगी, पर मेरे शरीर को स्पर्श द्वारकाधीश के अलावा और कोई स्पर्श नहीं कर पाएगा, मैं पहले ही शरीर को भस्म कर दूंगी, पर मेरे द्वारकाधीश कैसे मिले। ऐसो विचार करके रुक्मिणी जी ने विचार किया कौन सा उपाय करें। इधर उसने सभी लोगों को बुलाया, विदर्भ नरेश, क्या नाम था उनका, भीष्मक जी ने सबको बुलाया, लेकिन द्वारकाधीश के पास पत्र नहीं भेजा, क्योंकि रुक्मिणी मना कर दे, उस ग्वाले के पास पत्र नहीं भेजना है। सबके पास स्वयंवर का पत्र पहुंचा, पर द्वारकाधीश के पास नहीं पहुंचा पत्र। रुक्मिणी बहुत दुखी है, उन्होंने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुलाया और कहे ब्राह्मण देव, देखो आप तो मेरे पिताजी के समान हो, मेरे गुरु के समान हो,
और मेरा एक कार्य कर दो, मैं कभी आपका उपकार भूलूंगी नहीं। और ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं क्योंकि मेरा भरोसा एकमात्र आप पर ही है। ऐसा विश्वास पात्र ब्राह्मण चुना रुक्मिणी देवी ने, जो वास्तव में बड़ा ही विश्वासी ब्राह्मण था, और कहा कि हे ब्राह्मण देव, बस आप मेरा संदेश केवल द्वारकाधीश तक पहुंचा दो, इतना काम कर दो बस। ब्राह्मण देव बोले, बेटी बताओ, मैं तुम्हारे पिता के समान हूं, बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा, क्या कार्य कर सकता हूं, बस यही कर दो महाराज तुम। तो ब्राह्मण देव को रुक्मिणी ने पत्र लिखा, उसमें 7 श्लोक लिखे। जैसे किसी कन्या का विवाह होता है तो कितने फेरे पड़ते हैं, 7 फेरे पड़ते, तो ये 7 श्लोक लिखे, चुन चुन के 7 श्लोक, और पत्र को लिख करके ठीक से पैक करके सील करके, क्योंकि कोई पढ़ ले पंडित जी ने पढ़ पाए, सील कर दिया पूरा, सील करके पत्र के जाओ केवल द्वारकाधीश के ही हाथ में, और एकांत में देना, है ना, रुक्मिणी का एकांत में ना, और केवल द्वारकाधीश के ही हाथ में पहुंचना चाहिए ये। ठीक है बेटी, चिंता मत करो, मेरा विश्वास करो, उन्हीं के पास पहुंचेगा पत्र तुम्हारा, और कोई मैं भी नहीं देखूंगा इसे क्या लिखा है तुम्हारा। तो ब्राह्मण देव बड़ी शीघ्रता से द्वारका पहुंचे, भगवान यदुओं की सभा में, सुधर्मा सभा में बैठे हुए सोने के सिंहासन पर, और सब यादवगण बैठे हुए, और ब्राह्मण देव वहीं पूछते पाछते पहुंचे भगवान द्वारकाधीश के पास। भगवान ने जब देखा ब्राह्मण देव आए, तुरंत भगवान अपने आसन से नीचे उतर पड़े और दौड़ के स्वागत किया, आइए ब्राह्मण देव, आइए ब्राह्मण देव, आपने बड़ी भारी कृपा की जो ब्राह्मण के चरण हमारी सभा में पड़े। ब्राह्मण का बड़ा आदर किया भगवान ने, और उनको बड़ी आसन पर बिठाया, खून की सेवा की, भोजन कराया, फिर उनको विश्राम करने के लिए पलंग डाल दिया। ब्राह्मण देव थक गए होंगे ना, थोड़ा विश्राम कर लो। जब ब्राह्मण देव भोजन करके विश्राम करके जब ठीक से हुए, तब भगवान ने पूछा, और ऐसा होना चाहिए, ऐसा बताते हैं किसी गृहस्थ के यहाँ, किसी के यहाँ कोई अतिथि आए तो पहले उसकी खूब सेवा करो, ये मत पूछो जी आप कौन आए, कहाँ से आए, क्या काम है, किस लिए हम तुम्हारी क्या सेवा कर, ये मत पूछो पहले, पहले कर्तव्य पहले उनकी खूब सेवा करो, और आराम करने के लिए उनको जगह दो, जब ठीक से आराम कर चुके, उनकी थकान दूर हो जाए, भूख मिट जाए, थकान दूर हो जाए, फिर उनसे कुछ प्रश्न करो। तो भगवान तो ये, क्योंकि भगवान तो स्वयं अपने आचरण से लोगों को शिक्षा देते हैं ना, जब ब्राह्मण देव खूब आराम कर चुके, तब भगवान ने पूछा, ब्राह्मण देव कहो आपकी भजन साधना ठीक तो चल रही है ना। और देखो जो संतोषी ब्राह्मण होते हैं, भगवत इच्छा से जो भी उनको मिल जाता है ब्राह्मणों के लिए संतुष्ट रहते हैं, वो मुझे बहुत प्रिय होते हैं, वो मेरे पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं ऐसे ब्राह्मण। और जिस ब्राह्मण के पास चाहे भले ही इंद्र के जैसा ऐश्वर्य हो और उसे संतुष्टि ना हो, वो तो फिर किसी मतलब का नहीं। और तुम तो बड़ी संतुष्टि और संतोषी ब्राह्मण हो, मेरे पूजनीय हो, कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं, मुझे आदेश दो, क्या सेवा करूं आपकी मैं। ब्राह्मण देव बोले, प्रभु ये आपके सर्वथा योग्य है, आपके योग्य हैं जो आप ये ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप साक्षात भगवान हो, जो इतना आप सम्मान कर रहे हो हमारा, ये तो आपके योग्य ही है प्रभु, आपकी योग्यता ही है ये। प्रभु मैं एक पत्र लेके आया हूं। तो ठीक है, कहां से पत्र लेके आए, रुक्मिणी देवी का पत्र है, कौंडनपुर से आया हूं मैं, और रुक्मिणी देवी का पत्र है। ठीक है, पढ़ के सुना। नहीं प्रभु, ये आपका पर्सनल पत्र है, ये आपका लव लेटर है, प्रेम पत्र है ना, ये आपका पर्सनल है, तो आप ही इसको, नहीं नहीं, ब्राह्मणों से हमारा कुछ छुपा हुआ नहीं है, ब्राह्मणों से हमारा कुछ छुपा, आप ही पढ़ के सुनाओ। तो ठीक है प्रभु। तो भगवान के सामने उसकी सील तोड़ी उन्होंने पत्र की, और सील खोल के फिर रुक्मिणी की जो 7 श्लोक हैं वो ब्राह्मण देव सुना रहे हैं। वो
बोले प्रभु रुक्मिणी देवी ने ये लिखा है, बोले सुनाओ। तो पहला श्लोक रुक्मिणी देवी क्या लिखती हैं, ये श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सरल बतामते निर्विश्य करण विवरई हर तो अंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वे अच्युता विशति चित्तम अपत्र पम्बे। रुक्मिणी जी पहले श्लोक में लिखती हैं कि हे भुवन सुंदर, श्रुत्वा भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, इन तीनों लोकों में आपके समान कोई सुंदर है ही नहीं। हे भुवन सुंदर, श्रुत्वा मैंने आपके गुण रूप लीलाओं को सुना है। और आपके रूप गुण लीलाएं कैसी हैं, निर्विश्य करण विवरई हर तो अंगतापम, जो आपकी लीलाओं को कथाओं को श्रवण करते हैं और श्रवण करने वाले के कान के रास्ते से जब उसके हृदय में जाती हैं आपकी लीलाएं कथाएं, तो हर तो अंगतापम, उस श्रवण करने वाले के सारे अंग के ताप तापों को नष्ट कर देती हैं और यहाँ तक कि जन्म जन्म के तापों को मिटा देती हैं, है ना। हम जन्म जन्मांतर कितने तापों में, संसार दावानल लीडलोक, ये कैसे दावानल से झुलसते आ रहे हैं हम जन्म जन्मांतर से, तो जन्म जन्म के तापों से ये आपकी लीला कथा मुक्त कर देती है। निर्विश्य करण विभर हर तो अंगताप रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम, और हे प्रभु आपका जो रूप है ना, आहा कितना सुंदर, भुवन सुंदर है, जो आपकी छवि का दर्शन कर लेता अखिलार्थ लाभम, उसे सारा लाभ मिल जाता है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष सारे पुरुषार्थ प्रदान उसे हो जाते हैं, अखिलार्थ अखिलार्थ लाभम। रूपम दृशाम दृश्यमताम, देखने वाले जो होते हैं तो देखने वाले आपके रूप को देखते हैं तो सारे पुरुषार्थ को सारे लाभ को प्राप्त कर लेते हैं। हे प्रभु मैंने श्रुत्वा, मैंने भी आपका रूप गुण सुने हैं और आपकी सुंदरता आपके रूप को गुण को सुनकर के बस मेरा मन जबरदस्ती आपके चरणों में खिंचाई जा रहा है, खिंचाई जा रहा है, निर्लज्ज होकर के आपके चरणों में जा रहा है ना। सारी लाश श्रम छोड़ दी मैंने और मेरा मन आपके चरणों में बस खिंचता ही जा रहा है, ये पहले श्लोक में लिखा है उन्होंने। दूसरे में लिखती हैं का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयो द्रवधाम भिरात्म तुल्यम धीरा पतिम कुलवती न ब्रणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। दूसरे श्लोक में लिखती है प्रभु आप ये कहो करे भाई तुम्हारा मन हमारे चरणों में ऐसे क्यों खिंच रहा है, ऐसी हमें क्या विशेषता है। तो कहती है प्रभु कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा, प्रभु मेरा मन आपके चरणों में इसलिए खिंच रहा है क्योंकि आप सभी तरह से अतुलनीय हैं, आपकी तुलना कोई संसार में क्या तीनों लोकों में कर ही नहीं सकता, चाहे किसी भी दृष्टि से देख लें। किससे, बोले कुलशील रूपा, प्रत्येक कन्या चाहती है कि हमें अच्छे कुल का वर मिले, शीर स्वभाव वाला मिले, है ना, और अच्छे गुणों वाला मिले और खूब धन वाला हो और खूब बलवान भी हो, खूब ऐश्वर्यवान हो, सब कन्या चाहती हमें ऐसा पति हमको मिले। तो प्रभु किसी भी दृष्टि से देखें कुल में कितना आपका उच्च कुल है, यदुकुल, जो सुखदेव गोस्वामी नमे स्कंद में कहा है, जब नमे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी सूर्यवंश में भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन कर चुके और फिर बाद में चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन किया और उसमें यदुवंश का वर्णन किया, तो बोले अब परीक्षित में तुम्हें उस वंश का वर्णन सुनाता हूँ। वर्णयामी महापुण्यम सर्व पाप हराम नृणाम यदुर्वंशे नरः श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते।
सुखदेव गोस्वामी का, राजन अब मैं तुम्हें ऐसे वंश का वर्णन सुनाऊंगा जो सर्व पाप हरम नाम, जो सभी मनुष्यों के पापों को दूर करने वाला है। यदुर्वंशे नरः श्रुत्वा, जो व्यक्ति यदुवंश के इस वंश का वर्णन सुन लेगा तो सर्व पाप ही प्रमुचते, सारे पापों से छूट जाएगा वो। तो ऐसा कुल प्रभु आपका, ऐसा कुल, कुल रूपशील यानी आप कुल में सबसे उच्च कुल की हो। कितना बढ़िया आपका कुल है, यदुवंश, जो सुखदेव गोस्वामी सराहना की है इस कुल की। और रूप तो तीनों लोक में आपके समान तो कोई है ही नहीं, आपसे बढ़कर के तो क्या हो सकता है। और शील में यानी स्वभाव में भी आप तो आप ही हैं, जो दुष्टों का भी उद्धार करती हो, तो आपके बराबर स्वभाव, ऐसा इतना स्वभाव किसका हो सकता है। पूतना जैसी का भी अपने कल्याण कर दिया, उद्धार कर दिया, स्वभाव कितना अच्छा आपका। तो प्रभु किसी भी दृष्टि से देखो, रूप से या गुण से या फिर धन से या बल से, यानी षडेश्वरी, आप षडेश्वरी छह ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। तो प्रभु धीरा पतिम कुलवती ने व्रणित कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोविरामम, हे नरश्रेष्ठ, नरश्रेष्ठ, हे नरों में श्रेष्ठ द्वारकाधीश, ऐसी कौन सी कन्या होगी, ऐसी कौन सी रूपवती, गुणवती और शीलवती, ऐसी कौन सी कन्या होगी जो आप जैसे सर्वगुण संपन्न को अपना पति बनाना नहीं चाहे। तो इसलिए प्रभु, इसलिए तन्मे भवान खलव्रत पतिरंग जायाम आत्मार्पित आत्मार्पितश्च भवतो अत्र विभो विधेहि मा वीर भागम भिमर सत्चेद्यारात गोमा युवन मृगपते बलिम अम्बुजाक्ष। हे कमल नेत्र, अम्बुजाक्ष कमल नेत्र, हे कमल नेत्र, हे श्याम सुंदर, इसलिए तनमे भवान खलबत पतरंग जाए, मैं तो आप पर पूरी तरह से समर्पित हो चुकी, आत्मार्पित, मैं अपने को आपके चरणों पूरी तरह से समर्पित कर चुकी, अब मैं आपकी वस्तु हो गई, क्योंकि मैंने तो अपना कर्तव्य कर दिया, मैं आपकी हो गई, मैंने अपने को आपके चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। और कैसे समर्पित किया है, आपको अपना पति मान लिया, मैंने आपको अपना पति मान लिया, तो अब मैं आपकी पत्नी हो गई, आपकी वस्तु हो गई। और प्रभु जब आपकी वस्तु में हो गई तो अपनी वस्तु की रक्षा स्वयं करो, है ना, अपनी वस्तु की रक्षा स्वयं करो, कहीं ऐसा ना हो जो शेर की वस्तु को, जो शेर है शेर की वस्तु को कहीं स्यार रूपी शुष्पाल आकर के स्पर्श कर जाए, है ना। शुष्पाल की तुलना किसमें थी, स्यार की, समझते हैं, स्यार बड़ा गीधड़ होता है, गीधड़ डरपोक, तो हाँ सिंगाल भी कहते हैं, बोले जो शुष्पाल, जो स्यार की तरह स्यार रूपी शुष्पाल कहीं मेरा आकर के स्पर्श न कर दे प्रभु, क्योंकि अब ये वस्तु आपकी हो गई, मैं आपकी वस्तु हो गई, मैंने पूरी तरह से आपको समर्पित कर दिया है, मैंने अपना काम कर दिया, अब अपना काम आप करो, अपनी वस्तु की स्वयं आकर के रक्षा करो। ये कैसे लोग हो गए, तीन हो गए, अब चौथे में क्या बता रही हैं, पूर्तेष्ट दत्नियम व्रतदेव विप्रह गुरु अर्चना निर्लम भगवान परेशः आराधितो यदि गदा ग्रजेत्य पाणिं ग्रहणा तुमेन दम घोष सुतादयो अन्य। चौथे श्लोक कहते, हे प्रभो, मैंने जन्म जन्म में जो जो कोई पुण्य कार्य किया हो, कहीं बाग लगवाए हों, कुआं बावली बनवाई हो, कहीं प्याऊ लगवाई हो, जो और भी कुछ पुण्य किए हों, या गुरुजनों की सेवा की हो, ब्राह्मणों को तुष्ट किया हो, अपने गुरुजनों की खूब सेवा की हो, तो प्रभु गुरुजनों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा और ये सब कार्य आपकी प्रसन्नता के लिए तो किए जाते हैं। संसिद्धिम हरितोषणम, संसिद्धिम
हरितोषम, सारे कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही तो किए जाते हैं। तो मैंने अब तक जो भी आपकी प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य किए हों, यज्ञ दान पुण्य जो भी कुछ किए हों, गुरुजनों की पूजा सेवा की हो, तो उस सबके पुण्य के प्रभाव से प्रभो, हे गदाग्रज है ना, हे गद के बड़े भाई है ना, यदि मैंने ये सब किया हो तो प्रभो बस आप मेरा हाथ आप आकर के थामें और मुझे ग्रहण करें। ये दमघोष यानी चेदी नरेश और सिंधु नरेश इत्यादि, चेदु नरेश सिंधु नरेश इत्यादि मेरा स्पर्श भी न कर सकें। प्रभो बस यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। कितने श्लोक हो गई है? चार हो गई। अब पांचवें क्या लिखती हैं? शोभाविन्तमजितो दवहने विधर्वान् गुप्तः समेत्य प्रत्नापतिभिः परीतः निर्मथ्य चेद्य मगधेन्द्रबलं प्रसहे मां राक्षसेन विधनोदवह वीरशुल्काम्। कितना बढ़िया लिखा है। कहती है अजित, रुक्मिणी जानती थी कि आपको कोई जीत ही नहीं सकता। हे अजित, जब मेरा विवाह उत्सव प्रारंभ हो, केवल 3 दिन बचे थे, जब मेरा विवाह उत्सव प्रारंभ हो तो आप विदर्भ में, विदर्भ देश में अपनी थोड़ी सेना लेकर के आए। बहुत बड़ी सेना लेकर नहीं आए, नहीं यहाँ पूरा शोर शराब सब पता लग जाएगा पूरा। कैसे आए? गुप्त रूप से आए, किसी को पता नहीं लगे। थोड़ी सी अपने अंग रक्षक लेके आए थोड़े से। और यहाँ हे अजित, मैं जानती हूँ आप अजित हैं, आपको कोई जीत नहीं सकता। और यहाँ आकर के आप इन दुष्ट राजाओं को, जो जरासंध है, सुषपाल है इत्यादि दुष्ट राजाओं को, इनका मंथन करके, इनको बलपूर्वक इनका मंथन करके, जैसे समुद्र से मंथन करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया, तो ऐसे ही इन दुष्ट राजाओं का मंथन करके और अपनी वीरता का परिचय दे करके, है ना, क्या करके बोले वीर शुल्काम, अपनी वीरता का शुल्क परिचय दे करके, और प्रभु मुझे आप इन दुष्टों का मंथन करके मुझे प्राप्त कर लो, आ जाओ शीघ्र यहां। और अगले श्लोक में क्या लिखती हैं? हाँ, राक्षस छोड़ी गया, आप यहां आकर के इनका मंथन करके और राक्षस विधि से मेरा मुझे आकर के लेके जाओ, मुझे ग्रहण करो। अच्छा, और अगले श्लोक में लिखती हैं कि प्रभु आप ये सोचो कि भाई तुम्हारा मंथन करके हम ऐसे तुम हरण करके ले जाएं, है ना, तो यहाँ हरण करेंगे तुम्हारा, तो वहाँ तुम्हारे, तुम अंतःपुर में रहती हो, घर में रहती हो, तो वहाँ से हरण करेंगे, तुम्हारे भाई भी, तुम्हारे पिता और भी होंगे, उनका वध तो करना पड़ेगा ना, वो क्यों रुकावट कर, उनको वध करना पड़ेगा। तो रुक्मिणी उसका उपाय बता रही है, कौन से श्लोक में? छठा है, छठा श्लोक ना, अंतः पुरांतर चरी मन हित्य बंधुन त्वाम उद्वहे कथमिति प्रमदाम उपायम पूर्वे दुरस्त महती कुल देव यात्रा यास्याम बहिर्नवधू गिरजा मुपियात। कहती प्रभु आप ये सोचो कि तुम तो भाई अंतःपुर में रहती हो, अंदर घर में, राजमहलों में, तो वहां से तुम्हारा हरण कैसे करेंगे? और हरण करेंगे तो तुम्हारे भाइयों को मारना पड़ेगा, उनकी हत्या भी करनी पड़ सकती है, तुम ये सोच रहे होगे ना। तो प्रभु इसका भी उपाय मैं आपको बताती हूँ, है ना। श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है उसमें अपनी किताब में कि रुक्मिणी देवी नीति को भी जानती थी, राजनीति त्याग सब कुछ जानती थी। उन्होंने पहले सब बता दिया कि आप ये सोचो कि अंतःपुर से आपका हरण कैसे करेंगे, और हरण करेंगे तो आपके परिवार वालों से तो मुठभेड़ करनी पड़ेगी ना, झगड़ा होगा उनसे, और हो सकता है किसी की मृत्यु भी हो जाए, तुम्हारे भाई की, पिता की, कोई भी मर सकता है ना। तो प्रभु आप ये सोचें तो वो उसकी चिंता मत करो, उसका उपाय मैं बताती हूँ आपके लिए। क्या बोले? हमारे विदर्भ देश में ऐसी रीति है कि जिस कन्या का विवाह होता है तो विवाह होने से 1 दिन पहले अंबिका देवी की पूजा करने मंदिर में जाती है, ऐसी हमारे यहाँ की रीति है।
और हमारी कुल की रीति ऐसी। तो प्रभु मैं अंबिका देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाऊंगी और वहीं से मैं हरण कर लेना। ये भी उन्होंने तरकीब पूरा उपाय बता दिया कि हरण कहां से कैसे करना है। साथ में श्लोक में लिखती है कि अच्छा ये आप ये सोचो भाई, ऐसी हमें क्या विशेषता है जो आप इतना हमको चाहती हो। तो रुक्मिणी देवी बता रही हैं क्या विशेषता है। तो ये विशेषता है, यस्यांग्र पंकज रज स्पनम महांतो वांछन्त्युमापतिर्वात्म तमोपहत्यै यरिहीयम्बुजाक्षण लभेय भगवत प्रसादम जय माम सून व्रतक सांसत जन्म भीष्यात्। आप ये सोचो प्रभु कि ऐसी भाई हमें क्या विशेषता, हमको इतना क्यों चाहती हो। तो बोले मैं ही नहीं चाहती, केवल मैं ही नहीं चाहती, बड़े बड़े महात्मा भी आपके चरणों की रज को चाहते हैं। यह श्यांग्र पंकज रज, जिनके चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव जैसे महाभागवत आपकी चरणों की रज को चाहते हैं। क्यों? बोले आपकी चरणों को अभिषेक करके सोच हम सब पापों से मुक्त हो गए, ऐसा अनुभव करके बड़े प्रसन्न होते हैं। हालांकि भगवान शिव इत्यादि कोई पापी थोड़ी होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के चरणों की रज मिल जाए और बस मस्तक से लगा कि आह बस हमारा जीवन सफल हो गया, बड़े प्रसन्न होते हैं देवता लोग। और ऐसा होता था, जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में गैया चराते थे तो देवता आकाश मार्ग से अपने अपने विमानों पर आकर के देखते रहते थे और लीलाओं को देखते थे। और जब भगवान गोचारण करके अपने ब्रज में चले जाते थे तो सभी देवता भगवान शिव इंद्र ब्रह्मा बड़े बड़े देवता अपने अपने विमानों से आते और रोज भगवान के चरणों की धूलि को अपने मस्तक से लगा करके और अपने बड़ा कृतकृत्य धन्य मानते थे। तो यहाँ यस्यांग्र पंकज, यस्यांग्र पंकज रज स्पन्नम महांतो, जो बड़े बड़े महांतो महान आत्मा जो महाभागवत भी शिव जैसे आपके चरणों की रज को अभिषेक करके अपने बड़ा धन्य कृतकृत मानते हैं। तो प्रभो उसी चरण रज की चाहना में करती हूँ तो कोई बुरी बात है क्या? बड़े बड़े देवता भी भगवान शिव तक आपके चरणों की रज को चाहना करते हैं और प्रभो मैं वही आपके चरणों की सेवा और रज चाहती हूँ। अब लास्ट में लिखती हूँ, और प्रभो सुनो यदि आपकी आपने मुझे अपने चरणों की दासी नहीं बनाया, आपने अपने चरणों की वो मुझे वो लाभ प्रदान नहीं किया तो सत्य कह रही हूँ मैं व्रत करूँगी, कुछ खाऊंगी नहीं कुछ पियूंगी नहीं, व्रत करके शरीर को सुखा दूंगी, तपस्या करूँगी और तपस्या करते करते फिर भी दर्शन नहीं दोगे, शरीर छूट जाए कोई चिंता वाली बात नहीं, पुनः जन्म लूँगी फिर तपस्या करूँगी और फिर खूब व्रत करूँगी, व्रत करते करते शरीर सूख जाए शरीर नष्ट हो जाए कोई परवाह वाली होती फिर जन्म लूँगी, तो चाहे मुझे 100-100 जन्म लेने पड़े, सत जन्म भीष्यात, चाहे मुझे 100-100 जन्म लेने पड़े पर प्रभु आपकी चरणों की दासी बन के ही रहूंगी। जब इतना कठोर शब्द लिख दिया बाद में तो भगवान द्वारकाधीश एकदम उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और बोले दारुक प्रभु शीघ्र रथ को तैयार करके लाओ, है ना। दारुक जी को आदेश दिया, दारुक जी सबसे तेज चलने वाले जो घोड़े थे बोले सबसे तीव्रगामी घोड़े उनको जोत के लाओ। तो दारुक जी को कहने का ही केवल देरी थी, दारुक तो रथ को तुरंत तैयार करके ले आए क्योंकि बड़े कुशल भगवान के क्या थे वो सारथी थे। और भगवान बोले पंडित जी क्या बताऊं, जैसे रुक्मिणी हमको चाहती हैं वैसे मैं भी रुक्मिणी को चाहता हूं, पर क्या करूं, वो दुष्ट रुक्मिणी ने तो मेरे पास संदेश नहीं भेजा, मैं भी उनको बहुत चाहता हूं। ये था माम प्रबदंते तांदते भजाम्यम, जितना मुझे चाहती उससे ज्यादा मैं उनको चाहता हूं। तो प्रभु तो शीघ्र चलो, नहीं काम ना कहीं खराब हो जाए। पंडित जी बोले कहीं काम ना खराब, शीघ्र चलो देरी मत करो, जो मैंने बताना था बता दिया, अब आप जाना आपका काम जाना। तो भगवान तुरंत ही दारुक को बुलाया और रथ में सवार हुए, बस चल पड़े, एकदम चल पड़े भगवान। बलराम को बताया भी नहीं, किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, भगवान रथम बैठे चल पड़े।
अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, महाराज कहाँ जा रहे हो, कौन पूछे बड़े आदमी से किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उनसे पूछे। अब जब भगवान काफ़ी आगे निकल गए, बलराम जी आए, देखा कन्हैया नहीं दिख रहा, भाई आसन कैसे खाली पड़ा, उसका सीट खाली, कन्हैया कहाँ है। बोले पता नहीं कहाँ गए। कहाँ गए, तुम कैसे अंगरक्षक हो भाई, तुमको पता नहीं, किसको पता होगा। फिर मैं थोड़ी देर कहीं चला गया तो मेरे कन्हैया का पता नहीं कहाँ गया। अब सबको खूब डांटा बलराम जी, सबकी हवा खराब होगी, सब बहुत एकदम भयभीत हो गए। महाराज क्या बताएं, क्या बताएं, बताओ ना कहाँ गए कन्हैया, कहाँ है वो तो बोलो जल्दी बताओ। अब कोई नहीं बता, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, कोई किसी को बता के नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। सन्नाटा छा गया पूरी सभा में, बलराम को बड़ा भारी क्रोध आ रहा है, शीघ्र बताओ। अच्छा ये बताओ, यहाँ कोई आया तो नहीं। तो हाँ महाराज, एक आए तो देख, कौन आए, एक पंडित जी आए। कहाँ से आए, बोले वहाँ से कोंडा। तो बस ठीक है, अगला कार्यक्रम में समझ गया। जब कोंडरपुर से पंडित जी आए तो अगला कार्यक्रम में समझ गया, वहाँ स्वयंवर है भीष्म कन्या का, और कन्हैया बिना बताए अकेला ही चला गया। बताओ वहाँ बड़े बड़े दुष्ट राजा आएंगे, बड़े बलवान राजा हैं, शीघ्र तैयारी सेना करो, सारी नारायणी सेना को तैयार करो। आदेश दे दिया बलराम जी ने, थोड़ी देर में सारी सेना तैयार हो गई। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, यद्यपि भगवान बलराम भगवान श्री कृष्ण की सारी उनके महत्व को जानते थे, उनके ऐश्वर्य को, उनकी शक्ति का परिचय था उनको कि साक्षात श्री कृष्ण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर वो क्यों चिंतित हुए, क्योंकि छोटा भाई मानते थे ना उनके प्रति, उनका प्रेम था, भाव था, मेरे लाला को मेरे कन्हैया कुछ हो न जाए, बहुत सारे दुष्ट लोग आएंगे, शीघ्र चलो वहाँ। तो वो बलराम जी अपनी सेना को लेकर के पीछे पीछे वो भी चल दिए, कन्हैया बहुत आगे पहुँचे, बहुत जल्दी पहुँचे। उधर क्योंकि पंडित जी को साथ में बैठा के ले गए थे, जब वहाँ पहुँचे तो महाराज भीष्मक को पता लगा कृष्ण आए हुए हैं। तो भीष्मक बड़ी तैयारी से उनका स्वागत करने के लिए आए अपने मंत्रियों के साथ में, खूब बहुत अच्छे ढंग से उनका स्वागत किया और बढ़िया से स्थान पर उनको रुकने का स्थान दिया। अब वहाँ पर जितने भी नगर के लोग थे विदर्भ देश के, वहाँ कोंडनपुर के, सबको मालूम पड़ा कृष्ण द्वारकाधीश आए, तो नाम तो सबने सुना था। अब दर्शन के लिए सब चाहते दर्शन, हमको सारे लोग पूरी भीड़ उमड़ पड़ी दर्शन के लिए। अब द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं, सब बड़े गदगद हो जाते हैं, कहते आपस में कानाफुसी करते हैं, देखो ये महाराज ने अच्छा नहीं किया, जो रुक्मिणी का विवाह किसके साथ कर रहे हैं, अरे रुक्मिणी की लायक तो, रुक्मिणी के योग्य तो एक मास ये द्वारकाधीश हैं। या कुछ बोले, नहीं नहीं द्वारकाधीश तो, पर द्वारकाधीश के लायक हमारी रुक्मिणी जी हैं, इनके द्वारकाधीश के लायक और कोई ऐसी कन्या हो ही नहीं सकती। और कुछ कहते नहीं, रुक्मिणी के लिए इनके इनके समान कोई बार हो ही नहीं सकता। अब सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने अपने कई जन्मों के पुण्य को याद करते हैं, प्रभु हमने कई जन्मों तक जो भी पुण्य किया हो वो सारे पुण्य के प्रभाव बस इन पर पड़ जाए, हमारी रुक्मिणी का विवाह और द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। ऐसे मन में सब कामना करने लगे, जब इनकी विवाह हो जाएगा हाँ तो कम से कम ससुराल में कभी कभी तो आएंगे तो दर्शन हो जाए करेंगे इनके, तो सब कामना करते भगवान से कि प्रभु बस ऐसी चाहो, ऐसी कृपा करो जो हमारे सारे पुण्य का फल बस इन्हीं को मिल जाए, पूरा रुक्मिणी को, जो रुक्मिणी के पति द्वारकाधीश हों। इधर शुषपाल जो चेदी नरेश, हाँ किनका पता है, दमघोष, इधर दमघोष ने बड़ी भारी तैयारी की, वहाँ खूब बढ़िया बरात सजाई और खूब अच्छे नगर को सजाया। इधर भीष्मक ने खूब बढ़िया पूरा नगर सजा दिया था, बहुत अच्छी सजावट की थी। तो हाँ बारात भी उनकी आ गई, दमघोष बारात भी लेके आए और वो अपना वो ना क्या बांध के आते हैं दूल्हा है ना, वो बांध के आया सहरा, सहरा बांध के आया था, क्योंकि वो तो जानता विवाह हमारा ही होगा, सुषमा जानता विवाह तो हमारा ही होगा ना, वो पक्का दूल्हा बन के आया था। और जन्मासेम बरात्रु, जन्मासेम बरात्रु की हुई थी उनकी। इधर रुक्मिणी देवी बहुत दुखी हो रही हैं, अभी पंडित जी नहीं आए, अरे द्वारकाधीश तो आए तो नहीं आए, द्वारकाधीश नहीं आए तो कम से कम पंडित जी तो आई जाते, पर मेरे द्वारकाधीश क्यों नहीं आए। वैसे मेरे द्वारकाधीश बड़े कृपालु हैं, पर हो सकता है कि मैं कुछ अभी
मेरे कुछ भाग्य उदय नहीं हुए हैं, या मेरे अंदर कोई दोष देखा होगा द्वारकाधीश ने, कोई मेरे अंदर कोई दोष देखा होगा इसे द्वारकाधीश मुझे अपनाने के लिए नहीं आए, बहुत दुखी हो रही थी। उनकी भाभी खूब समझा रही, क्योंकि भाभी बहुत प्रेम करती थी उनकी, और बड़ा श्रृंगार किया था रुक्मिणी का, खूब बढ़िया हल्दी तेल मेहंदी वेहंदी खूब लगाई थी, खूब श्रृंगार लड़की का श्रृंगार करते हुए अच्छा से आते हैं। इधर इधर सुषपाल को भी खूब बढ़िया तेल वेल हल्दी वल्दी और सब उसको भी खूब उसका खूब श्रृंगार कर रहे थे उसका भी। तो रुक्मिणी देवी बड़ी दुखी हो रही हैं और कहती भाभी ये जो मेहंदी है ना केवल कृष्ण के लिए है, थोड़ा गा लेते हैं ना, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, गाइए भाभी जो मेरी मेहंदी है ना कृष्ण के लिए है, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण मेरी चुनरी पे कृष्ण, मैंने मांग भराई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, ओ मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे हृदय में मोहन मन भावन, मेरे हृदय में मोहन मन भावन, मेरी मेरी चूड़ियों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंगों में, ऐसा कहीं समय आ जाए हमारा भी जो कृष्ण हमारी अंग अंग में कृष्ण समा जाए, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है सारा कृष्ण रंग में, ऐसा दिन आएगा कभी, मेरा तन मन रंगा है सारा कृष्ण रंग में, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो रुक्मिणी देवी बहुत दुखी हो रही हैं, इतनी दुखी हो रही हैं, 10 मिनट और ले लें एक्स्ट्रा, 9-10 बजे, तो रुक्मिणी देवी इतनी दुखी हो रही हैं, बहुत दुखी हो रही हैं, क्या करें, द्वारकाधीश भी नहीं आए और पंडित जी तक नहीं आए, बताओ कम से कम कुछ तो समाचार सुना दे, पंडित जी तक भी नहीं आए, बहुत दुखी हो रही हैं, बहुत दुखी हो रही, मन में सोच रही हैं अब मैं अपने शरीर को प्राणों को त्याग दूंगी, पर दुष्ट सुषपाल मेरा स्पर्श भी नहीं कर पाए, बहुत दुखी हो रही हैं। उसी समय अचानक उनकी बाई जांग बाई आंख बाई भुजा फड़कने लगी, तो ये स्त्री के बाई अंग फड़कें तो शुभ होते हैं और पुरुष के दाएं अंग शुभ होता है, तो ये जब बाएं अंग उनके फड़कने लगे तो रुक्मिणी को कुछ ऐसे सुंदर शकुन होने लगे कि लगता है मेरे द्वारकाधीश, तब तक पंडित जी आ गए और पंडित जी का मुख पर बड़ी प्रसन्नता थी, बहुत खुश थे पंडित जी, हंस रहे थे, रुक्मिणी देखा ओ लगता है बिल्कुल मेरे द्वारकाधीश आ गए, अच्छा सब शुभ समाचार ही सुनाने वाले होंगे पंडित जी,
कहो पंडित जी बस देवी चिंता मत करो, द्वारकाधीश आ गए, यहीं रुके हैं आकर के। पंडित जी आपने कितना अच्छा समाचार सुनाया है, मैं आपको क्या वस्तु अर्पित करूं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं बस आपको क्या अर्पित करूं, बस आपको मैं नमस्कार करती हूं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इसका मतलब, उन्होंने कहा ठीक है अब मैं सारी लक्ष्मी आपको ही प्रदान करती हूँ। इस तरह से लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी देवी ने ब्राह्मण देव को प्रणाम किया, प्रणाम ब्राह्मण देव शिवा प्रणाम के मैं आपको दे ही क्या सकती हूँ। तो इधर पंडित जी उनको धन्यवाद दे के चले जाते हैं। इधर रुक्मिणी के लिए अंबिका देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए तैयार किया गया, बहुत अच्छा श्रृंगार किया गया, बहुत सारी उनके साथ बहुत सारी दास वो थी, उनकी सहेलियाँ थीं और ब्राह्मण पत्नियाँ बड़ी बूढ़ी ब्राह्मण पत्नियाँ उनके साथ में थीं। और रुक्मिणी देवी अंबिका देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही हैं। इधर उस रुक्मिणी ने इतनी भारी व्यवस्था कर दी कि क्या पता वो छलिया है ना कृष्ण, उसका कभी भरोसा नहीं कब कहाँ से आगे टपक पड़े, वो उसका कोई भरोसा नहीं कब कहाँ से टपक जाए, उसे नहीं पता था आ गया यहाँ पे, इसलिए भारी व्यवस्था कर दी, बहुत काफ़ी बड़े बड़े योद्धा लगा दिए रक्षा के लिए चारों तरफ, जितना रोड है ना वहाँ से आप जाएँ कोंडनपुर से अंबिका देवी के मंदिर, वैसे एक मंदिर तो वहाँ है अमरावती में असली मंदिर 40 किलोमीटर वहाँ से, एक कोंडनपुर में वैसे असली उसी को बताते, मैंने देखा है वैसे वही लगता है असली वहाँ वाला अमरावती वाला, बहुत बड़ा मंदिर है वो, बहुत प्राचीन मंदिर है, वैसे वहाँ भी बताते वहाँ भी है लेकिन ज़्यादा प्राचीन मंदिर वही है। तो लिखा है भागवत में खूब लंबी उन्होंने बॉडी गार्ड लगा दिए खूब रोड पे रास्ता में, तो इतना लंबा वहाँ रोड है नहीं, तो बड़े बड़े योद्धा लगा दिए कि कोई किसी प्रकार की घटना न घट जाए। तो रुक्मिणी जी अपनी सहेलियों के साथ जा रही हैं, तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं लिखा है कि वो पैदल गई हैं, पर पैदल नहीं पालकी में बैठ करके गई थी वो, और मंदिर से 15-20 मीटर उतर पड़ी थी पैदल, 15-20 मीटर पहले से ही वो पालकी से उतर करके पैदल गई थी मंदिर में, और बड़ी भारी शिकोटी लगी हुई है, बड़े बड़े योद्धा लगे हुए हैं, सावधानी के साथ कोई घटना न घट जाए। इधर रुक्मिणी देवी जब अंबिका के मंदिर में पहुंची तो पहले उन्होंने हाथ पैरों को धोया, आचमन किया, खूब पवित्र हुई, पवित्र होकर कि अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया तो ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि देखो ये भगवान शिव इनको प्रणाम करो, ये भवानी इनको प्रणाम करो, ऐसे उनको प्रणाम कराया, रुक्मिणी देवी ने प्रणाम किया और फिर कहा कि इनसे प्रार्थना करो, जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वही इनसे मांगो, प्रार्थना करो। तो कहती हैं कि तो ये अंबिके, इसलोक ध्यान से निकल रहा है कि हे अंबिके देवी, हे शिव पत्नी, जो आपकी गोद में आपके पुत्र गणेश जी बैठे हैं, तो मैं आपके पुत्र गणेश सहित आपको प्रणाम करती हूँ, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो जो मुझे पति के रूप मुझे कृष्ण मिल जाए। तो अंबिका देवी की जो माला थी वो अपने आप गले में से निकल पड़ी, ब्राह्मण पत्नियों ने उनके गले में डाल दी माला, रुक्मिणी के कहा तुम्हारा काम बन गया, जो तुम चाह रही हो ना तुम्हारा काम हो गया। और ब्राह्मण पत्नियां तो जानती थीं कि ये सुषपाल के साथ विवाह नहीं करेंगी, उनके मन की बात ताड़ गई थी, ये तो विवाह कृष्ण के साथ ही करेंगी, वो थोड़ी जानती थी इस बात को ब्राह्मण पत्नियां। तो अंबिका देवी की खूब बढ़िया पूजा करके जैसे ही रुक्मिणी जी मंदिर से बाहर निकली, उनके मन में कृष्ण समाये हुए हैं, द्वारकाधीश कब आवें, उनके दर्शन कब हों, कैसे हों, दर्शन के लिए काफ़ी तरस रही हैं, छटपटा रही हैं, अभी तो द्वारकाधीश आए ही नहीं, लगता आएंगे नहीं क्या, बड़ी विकल हो रही हैं। इधर बड़ी भारी चारों तरफ से पूरे रोड पर वो लगी हुई है क्या, शिकोटी लगी हुई, बड़े बड़े योद्धा लगे हुए हैं, बड़े बड़े राजा योद्धा लगे हुए हैं। इधर भगवान द्वारकाधीश आए अपने रथ पर, तो भगवान तो बड़ी सुंदर है ही ना, और राजाओं ने देखा कि फिर देखो भाई कितना सुंदर, काला काला मुरली वाला, और देखो ये क्या पगड़ी, कितनी सुंदर पगड़ी है, क्या पीताम्बरी ओढ़े हुए है, क्या बढ़िया जूती है पैरों में, है ना, क्या बढ़िया, कितना बढ़िया देखो ड्रेस पहने हुए हैं। तो भगवान के एक एक अंग को देख रहे हैं, तो वो देखते ही रह गए, एकदम ऐसे मोहित हो गए, और भगवान ने अपनी मोहिनी माया और डाल दी उनके ऊपर, उनको ऐसा मोह दिया कि वो न किसी ने रोका न किसी ने टोका।
भगवान की मोहिनी मूरत को देखकर सब मोहित हो गए। इधर कुछ राजा बचे जो सावधान खड़े हुए थे, तो रुक्मिणी जैसे निकली तो रुक्मिणी बहुत सुंदर थी, और रुक्मिणी ने देखा कि अभी तो द्वारकाधीश आए नहीं, तो उन्होंने अपनी मुख से अपने लट्टों को अपने हाथों से ऐसे लट्टों को हटाया, तो रुक्मिणी देव का जो सुंदर मुख दिखा, सुंदर मुख को देखकर जो ऐसा लिखा भागवत में, जो राजा घोड़े पर थे, जो रथ पर थे, हाथियों पर थे, सब के सब धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़े उनकी उनकी सुंदरता को देखकर। किसी को होश आवास नहीं रहा, सबके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूट गए और सब नीचे गिर पड़े, किसी को होश नहीं रहा। सब ये कुछ तो द्वारकाधीश ने मोहित कर दिया, बचे कुछ है वो जो भगवान की माया है, उन्होंने सबको मोहित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पास पहुँचे और बस रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और बस दारुक से चलो रथ हाँ को दर दारुक जी रथ हाँ का। इधर राजाओं को होश आया, इधर वो सुषपाल तो बड़ा है ना, बड़े आनंद में बैठे हुए सुषपाल और दंत वक्र साल वो और तुम्हारा ये जरासंध इत्यादि। अब उनके पास एक समाचार देने वाला पहुँचा, अरे भाई आप ऐसे खेलते रहोगे, वो कुछ क्या पाते पासे कुछ खेल रहे थे, वो ऐसे ही खेल मगन हो तुम यहाँ पर द्वार, बोले द्वारकाधीश आ गया क्या? बोले आ नहीं गया, वो ले भी गया। आया ही नहीं, वो ले भी गया। बोले क्या? वो रुक्मिणी हरण करके ले गया। अब जैसे ही सुषपाल ने सुना तो वो तो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया, तो इसी बात का मुझे डर था भाई, और वो ही हो गया। सुषपाल बोला इसी बात का हमको डर था, वो ही हो गया, अब क्या करें, लाओ मेरी तलवार में देखता हूँ। रुक्मिणी बोले चिंता मत करो, तुम्हारे भाई गेस्ट हो, तुम बैठे रहो, मैं देखता हूँ। हैं दूल्हा हो तुम भाई, तुम मैं देखता हूँ उसकी हिम्मत कैसे ग्वालिया की पड़ी, मैं देखता हूँ उस ग्वालिया को जा करके। तो उसने अपनी बड़ी भारी सेना को लिया रुक्मिणी ने और कृष्ण का पीछा किया। इधर बलराम जी पहुँच के वहाँ अपनी बड़ी भारी सेना को लेकर के, अब सब राजाओं को पता लगा, अरे अरे इसने भारी हमारी नाक काट दी, बताओ ये ग्वाला, और हमने कितने बड़े बड़े बलवान राजा हैं और हमारे बीच में हरण करके ले गया, जैसे सिंह शेर की वस्तु को सियार लेके जाए, वो ऐसे कह रहे शेर की वस्तु को सियार लेके जाए, वो कृष्ण को सियार बता रहे पकड़ो इसे ऐसा पीछे पड़े। अब भगवान की जो सेना थी ना, इधर भगवान की सेना पर बड़े भारी अस्त्र वस्त्रों की अस्त्रों की शस्त्रों की वर्षा होने लगी। रुक्मिणी ने देखा, अरे हमारे प्रभु की सेना तो सब नष्ट हो ही जा रही है। रुक्मिणी बड़ी दुखी होकर के द्वारकाधीश की ओर देखा, द्वारकाधीश चिंता मत करो तुम्हारी सेना, भगवान बोले तुम्हारी सेना, रुक्मिणी देखा तुम्हारी सेना अभी अभी इन दुष्टों की सेना का संहार कर देगी। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान ने रुक्मिणी को क्या आश्वासन दिया कि अब तुम इतना प्रेम जताया कि अब ये सेना तुम्हारी हो गई, क्योंकि अब तुम हमारी हो तो ये सेना हमारी जो सेना है वो तुम्हारी हो गई। बोली तुम्हारी सेना अभी दुष्टों की सेना को सब संहार कर देगी, चिंता मत करो। इधर बलराम जी आ गए बड़ी भारी सेना लेकर के, तो बलराम की सेना जो है, बलराम के जितने यदुवंशी थे सब दंत वक्र से सुषपाल से उससे जरासन से खूब बड़ी भारी मुठभेड़ होती है और खूब युद्ध होता है, पर भगवान की सेना ने आज सबको परास्त कर दिया, सबको परास्त कर दिया। सब बड़े भयभीत हो गए, दुखी हो गए, यहाँ तक रण छोड़ के भाग गए। जरासंध भी रण छोड़ के भाग गया। जरासंध ने फिर सुषपाल को समझाया, देखो भाई अब तुम ये अब शोक करना छोड़ दो, तुम शोक में बैठे हो। बोले शोक में क्यों नहीं बैठे हैं, हम बताओ, विवाह करने के लिए वो ग्वालियर हरण करके ले गया। बोले देखो क्या करें, भगवान विधाता की ऐसी कुछ रचना होगी भाई, अब तुम क्या कर सकते हो, जानते हो देखो ये तो विधि का विधान होता है, कभी समय बदलता रहता है। मैं भी 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा में आक्रमण किया था, 17 बार मुझे हराया था इसने कृष्ण ने, 23 अक्षौणी सेना को लेकर के आया था और 23 अक्षौणी सेना को नष्ट कर दिया और 17 बार मुझे हराया, पर 18वीं बार मैं इस पर विजय प्राप्त कर ली। तो उसी प्रकार समय बदलता रहता है, प्रतीक्षा करो समय की, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये शोक छोड़ दो, अपने अपने घर को चलो। सब लोग वहाँ से अपने अपने घर को चले गए। इधर रुक्मी भागा भागा जा रहा है, रहे दुष्ट हे कृष्ण हे भगोड़े, ऐसे बड़ा बड़ा अपशब्द बोल रहा है, अरे सुन डरपोक, तू ऐसे भागा जा रहा है पीट दे करके, युद्ध कर। भगवान ने दी पीछे मुड़ के देखा, दारुक रथ को रोको, रथ को रोक दिया। अब वो बड़ी भारी सेना लेकर के आ गया क्या ना रुक्मी, और बोला कि अरे दुष्ट गीधड़, तू मेरी बहन को ऐसा हरण करके ले जा रहा है, तुझे इसका मैं तुझे मजा चखाऊंगा, अभी खड़ा रहे ऐसे बोला। भगवान ने वीरथ खड़ा कर दिया। अब उसने 6 बाण मारे, उसने रुक्मी ने 6 बाण मारे भगवान की तरफ,
भगवान ने उसके उत्तर में 12 बाण मारे, 12 बाणों से उसके घोड़ों को मार दिया, सारथी को मार दिया, उसकी रथ की वो क्या होता है वो काट दी, ध्वजा काट दिया और उसका धनुष भी काट दिया। दूसरा धनुष उठाया उसने, भगवान उसको भी काट दिया, और धनुष उठाया भगवान ने वो भी धनुष काट दिया, तलवार उठाई तलवार काट दी, जो भी शस्त्र उठाता है भगवान उसे ही निरस्त कर देते। अब तो जब काफ़ी वो निरस्त हो गया तो भगवान ने देखा कि अब उस दुष्ट को मारना ही चाहिए, तो भगवान तलवार लेकर के और उसके मारने के लिए उद्यत हुए। और रुक्मिणी ने विचार किया अब तो मेरे प्रभु मेरे भाई का वध कर देंगे। रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए, भगवान के पैरों गिर पड़ी, प्रभु ये मेरा भाई है, कोई भी बहन अपनी आंखों के सामने अपने भाई को इस प्रकार मरते हुए नहीं देखेगी, मेरा भाई है, मेरे ऊपर दया करो, मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को छोड़ दो, कृपा कर दया करो। तो भगवान को दया आ गई और भगवान ने उसे छोड़ दिया, पर अपने कपड़े से अपनी पीतांबरी से उसको बांध लिया। बांध करके भगवान ने उस तलवार से उसके जगह जगह कई उसके मुंडन कर दिया और एक तरफ की मूछ निकाल ली है, शेविंग कर दिया और एक तरफ की मूछ निकाल दी, एक रहने दी और जगह जगह सी उसको जगह जगह शेविंग कर दिया, उसका पूरा नहीं किया, कहीं छोड़ा कहीं कर दिया कहीं ऐसा किया, मतलब कुरूप लगे, पूरा होने तो अच्छा लगता ना। प्रभुपाद जी कहते हैं जब हमारे भक्त सेविंग कर लेते हैं ऐसे लगते हैं मानो बैकुंठ लोक से आए क्या, सेविंग करके। तो ऐसी सेविंग नहीं करी उसकी, कहीं छोड़ दिए कहीं कर दिए, ऐसी सेविंग करी जो कुरूप लगे देखने में, राक्षस जैसा लगे। इधर बलराम जी तब तक उन दुष्टों को भगा करके सबको परास्त करके आए। बलराम जी देखा कि अरे ये रुक्मी को कन्हैया आने और घोड़े रथ से बांध के डाल दिया है, इतनी ऐसी अवस्था कर दी इसकी। वो तो रुक्मिणी बड़ी दुखी हो रही थी, तो रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए कन्हैया बलराम जी ने वैसे ऊपर से डांटा, अरे कृष्ण तू कितना बताए कितना नटखट है, तेरे बताए या अपने संबंधी को जो तेरा साला है तेरा संबंधी है उसको ऐसे बताओ बांध के डाल दिया, उसका ऐसा कुरूप मुंडन कर दिया तेने, कहीं ऐसा करना चाहिए, ये अपना व्यक्ति है, ये अपना साला है, अपना रिश्तेदार है, और तेरे नाईगिरी का काम कब से सीख लेते हैं ऐसा जिसके सेविंग भी कर दी थे ने, इतना बुरा हाल कर दिया। इधर रुक्मिणी से कहा देखो रुक्मिणी क्या बताएं, हम क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा होता है, रुक्मिणी को सांत्वना दे रहे हैं, हम क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा होता है कि क्षत्रियों का धर्म ऐसा यदि भाई भी सामने युद्ध के लिए लड़का रहे तो भाई से भी युद्ध करना पड़ता है, तो क्षत्रियों युद्ध क्या करें फिर। इधर कन्हैया को वैसे ऊपर कहते कन्हैया भाई फिर भी तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये अपना आदमी है भाई, रिश्तेदार है, ये वो है, ऐसे करके उनको डांटते कन्हैया को और रुक्मिणी को थोड़ी सांत्वना देते थे। इस तरह से फिर कहा अच्छा इसको छोड़ दे भाई इसको जाने दे घर, तो उस तरह से उसे छुड़वा दिया रुक्मिणी को। और रुक्मी ने प्रतिज्ञा करके आया था कि यदि मैं कृष्ण को जीत कर नहीं आया, अपनी बहन को लौटा के नहीं लाया, तो मैं वापस कुंडल पर लौट करके नहीं आऊँगा, तो वहीं कहीं भोजकट ऐसा कुछ नाम उसने भोजकट ऐसा नाम कोई गांव बसाया उसने शहर, वहीं वो रहने लगा। इधर भगवान द्वारकाधीश रुक्मिणी को जब द्वारका में लेके आए तो द्वारका वाले बड़े प्रसन्न भए, सुंदर जोड़ी देख करके द्वारका को पूरा सजा दिया, खूब बंदनवार से फूलों से केलाओं से और बहुत अच्छा सजा और बड़ी विधि विधान से भगवान का द्वारकाधीश का वहाँ विवाह किया और सब द्वारका बहुत प्रसन्न, द्वारका रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस तरह से संक्षिप्त में रुक्मिणी जी कथा थोड़ी कर दी और हमारे केशव प्रभु का आदेश था कि आपको रुक्मिणी कथा करनी है, तो हालांकि पढ़ तो नहीं पाए थे बड़े बिजी थे, आज रात को थोड़ा कुछ पढ़ाया, शाम को कुछ नहीं पढ़ पाए थे। हरे कृष्णा।